and feel that appropriate response which leads to need reduction further always strengthens your SR connection. That is what is all reinforcement is all about. जितने बार नीड रिडक्शन होगा उतना रीइंफोर्सिंग हो जाता है ये एसआर कनेक्शन, उतना स्ट्रेंथन हो जाता है. कैसा होगा तो ऐसा करने से नीड रिडक्शन होगी, अगली बार ऐसा होगा फिर ये करेंगे नीड रिडक्शन होगी. ठीक है, तो जितनी बार नॉर्मल आप रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं यही है ना, रीइंफोर्स ट्रायल्स क्या होती है. ठीक है, लेकिन अगर वो नीड रिडक्शन नहीं हुई तो फिर वो एसआर कनेक्शन आपका वीक होता जाएगा, which means कि आपकी tendency to repeat that SR connection would weaken. On the other hand, if it is reinforcing, if it is very similar to Thorndike's law of effect. अगर gratification हो रही है, need reduction हो रही है, तभी SR connection strengthen हो रहा है. सही है? Clear? That's what it is. So here अभी मैं थोड़ा सा tricky कुछ लिखवाऊंगी इस पैराग्राफ के बाद, तो फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसी तरह से. ओके, नाउ वी रिटन दैट अंडर द प्रेजेंस प्रेशर ऑफ नीड्स एंड ड्राइव्स सो ऑर्गेनिज्म अंडरटेक्स एन एडाप्टिव एक्शन एंड द पार्ट ऑफ एक्शन व्हिच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ अ नीड बिकम्स द डोमिनेंट और रीइंफोर्स्ड. नाउ अ स्टिमुलस व्हिच लीड्स टू अ नीड रिड्यूसिंग एक्शन मे बिकम एसोसिएटेड विद अ स्टिमुलस which leads to need reducing action may become associated with another originally neutral stimulus this is called kya hoga ye bolo batao padho kya likha hai Hull believes that no conditioning will take place unless there is need reduction. No conditioning will take place unless there is need reduction. So reinforcement is need reducing. And conditioning takes place only when there is reinforcement. And conditioning takes place only when there is reinforcement. वेरी डिफरेंट फ्रॉम टॉलमैन एंड गथरी, उन्होंने तो रीइंफोर्समेंट को नकार दिया था ना, उनके हिसाब से लर्निंग हैपेंस पैसिवली ऑटोमेटिकली, डज नॉट नीड एनी रीइंफोर्समेंट, नो मोटिवेशन, नो नीड, नो ड्राइव, नथिंग. गथरी ऑल्सो सेज वन ट्राई लर्निंग. ठीक है, दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग यू. वो भी सेंसिबल लगती थी थ्योरीज, ये भी सेंसिबल लगती है, और यही चीज थोड़ा दिमाग खोलने की जरूरत होती है टीएनएस में, कि हर चीज को उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समझ. कंट्रडिक्टिंग है लेकिन खुले दिमाग से सब पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है. ठीक है, ओके, नाउ कमिंग ऑन टू हिज डेफिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये लिख लो फिर मैं इसको करूंगा. व्हेनेवर अ रिएक्शन आर कैपिटल आर ब्रैकेट में डालिए takes place, it gives rise to a impulse, stimulus gives rise to impulse, which would in turn lead to a response. Now every time when the stimulating condition comes and it leads to a temporal contiguity, matlab closeness in time. Yes. अभी स्टिमुलस आया उसके कल रिस्पॉन्स आएगा वो एसोसिएट नहीं करेगा, दो घंटे बाद रिस्पॉन्स आएगा वो एसोसिएट नहीं करेगा. कुछ अभी सेंसरी स्टिमुलस आया और उसके पास एकदम टाइम में प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस इन टाइम टेम्पोरल कंटिग्युइटी में कोई कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आया जिससे कि ये जो नीड थी जिसके कारण स्टिमुलस के कारण जो नीड में आया डिसइक्विलिब्रियम में भी समझाया था ना पहले. ठीक है, वो एड्रेस हो गई
अदर नीड, मतलब उसने ड्राइव रिडक्शन कर दी या नीड रिडक्शन कर दी। आपने लिखा है रिडक्शन इन ड्राइव और इन ड्राइव डिस्चार्ज, क्लियर? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल थर्स्ट है, थर्स्ट में क्या होता है, योर वाटर लेवल गोस डाउन, ठीक है? तो जब आप पानी पी लेते हैं आपका वाटर लेवल रिस्टोर हो जाता है, नीड रिडक्शन हो जाती है, ड्राइव ऑफ थर्स्ट इज गॉन, दैट्स एन रिडक्शन एक्ट। पर कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो पूरी बोतल गड़गड़ कर पी जाएंगे तो पेट दुखने लग जाएगा और खेल नहीं पाएंगे। Have you seen that they either have a chewing gum or they have a wet cotton in their mouth? है ना? They just wet their mouth, थोड़ा सा एक घूंट पी लेते हैं, बस मुंगीला कर लेते हैं। जब आपको प्यास लगती है तो जो मेरा वाटर लेवल बॉडी में अंदर गया वो मुझे नहीं पता चलता, पर मेरे ये जो प्रोप्रायोसेप्टिव स्टिमुलाई है, मेरी बॉडी में स्टिमुलेशन हो रही है, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, ठीक है, और बहुत डेप्रिवेशन हो जाएगी वाटर की, तो शायद चक्कर आने लगेंगे, ठीक है, वो जो है वो आपके इंडिकेशंस है ड्राई स्टेट की, दैट यू आर अंडर अ नीड फॉर वाटर। सो आप जब थोड़ा सा मुंह गीला कर लेते हैं, आप सिर्फ एस डी को कैटर कर देते हैं, ड्राइव रिसेप्टर जो आपके आ रहे हैं उसको कैटर कर लेते हैं, लेकिन आपके अंडरलाइन ड्राइव अभी भी बरकरार है, कहीं नहीं। वो जब तक आप पूरा दिल भर के पानी नहीं पियेंगे, वाटर लेवल रिस्टोर नहीं होगा, आप थर्स्ट ड्राइव में रहेंगे, वो शायद मैच के बाद पी लेंगे, करते हैं ऐसे, ठीक है? So drive receptor discharge is the SD, which is associated with your basic drive. ये जो proprioceptive stimulation है, ठीक है? Okay? Now जब भी आपका drive receptor discharge या drive में reduction होती है, तो फिर आपका ये जो SR है, ये associate कर जाते हैं, reinforcing हो जाते हैं, ठीक है? Done? और जितनी बार आपका ये S आया और आपने corresponding R दिया और उससे आपकी ड्राइव में या नीड में रिडक्शन हुआ, जितनी बार उतनी बार आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि अगली बार ये आएगा तो फिर ये करना है, यही बात है। तो जो टेंडेंसी है वो आपने लिखा है डेल्टा S leads to R, दिस इज अ टेंडेंसी। अब पढ़ के देखो क्या लिखा है, whenever a reaction R takes place in temporal contiguity with an afferent impulse, that is small s, resulting from the impact upon a receptor of a stimulus energy S, stimulus capital S, and this conjunction, or you may say it is a combination, and this combination is followed closely by the reduction in a need or the associated drive, and in the drive receptor discharge SD, bracket close kariye yahan pe, there will result an increment, that is delta SR, in the tendency for that stimulus on subsequent occasion to evoke the same reaction. Simple hai? Yes. Abhi kisi ko nahi samajh aaya to poocho, please yahi poocho, hal mein aage daud piche chaud mat karna, एक स्टेप पे दूसरा स्टेप बिल्ड होगा इस थ्योरी में, अगर एक स्टेप नहीं समझ आता मुझे, रीइंफोर्सिंग क्या होता है, रीइंफोर्स होती है क्योंकि उसका जो इंपैक्ट हुआ, जो चीज मिली वो एप्रोप्रिएटली आपकी नीड को रिड्यूस कर दिया, ग्रेटिफिकेशन हुई तभी रीइंफोर्सिंग हुआ ना। अब आपको भूख लगी है, हंगर ड्राइव में हो, जैसे छोटा बच्चा है हंगर ड्राइव में है और उसको मैं इधर उधर ये देखो वो देखो कर रही हूँ, फीड नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए तो शायद वो रिस्टोर होगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली द चाइल्ड विल हाउल एंड क्राई, क्योंकि भूख लगी है तो भूख लगी है, खाने से ही प्यास। अब आपको प्यास लगती है तो आपको पानी चाहिए, आपको कोई बोले चाय पी लो ये पी लो, अब कुछ नहीं, प्लीज पहले पानी। ये हमने कैसे सीखा कि ये थर्स्ट है और इसका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है टू क्वेंच योर थर्स्ट विद वाटर, ठीक है? नाउ फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैड दिस काइंड ऑफ स्टिमुलेशन इन योर लाइफ एंड यू वर गिवन वाटर एंड यू रियलाइज्ड यस दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड दैट equilibrium was restored, that dream, that positive feeling of restoration of equilibrium was reinforcing, that and next time when you have this kind of situation you will look for water, and every time when you went into that kind of stimulating condition, every time you had a tendency to look for water, and every time water gave you a sense of equilibrium. So jitni baar aapne pani piya utni baar wo impact uska reinforcing hua। अगर उस टाइम पे आपको पानी की जगह
जगह पर मैं कुछ और दे दूं, ना पानी मिले, कुछ और अटैक के बाद, जैसे मैं कह रही हूँ इधर उधर ध्यान भटका दिया आपका, ठीक है, सो वो आपका नीड रिडक्शन नहीं करेगा। तो अगली बार जब आप वो स्टिमुलेटिंग कंडीशन आएंगे, वो रिएक्शन तो आप नहीं करेंगे, आप फिर भी पानी ही ढूंढेंगे, क्योंकि उससे ड्राइव रिडक्शन नहीं हुआ, उससे ये एस आर का जो एसोसिएशन बना कि प्यास लगी पानी पिया, प्यास लगी पानी पिया, एस आर, ये आपके टेंडेंसी रिपीट कर जाएगी अगर नीड रिडक्शन नहीं हुआ। प्रॉबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग दिस कि प्यास लगी और मैं इधर उधर ताक झांक करूँ, वो रिइंफोर्स नहीं हो रहा है ना, ठीक है, रिइंफोर्सिंग तभी होगा जब नीड रिडक्शन। सो रिइंफोर्समेंट ही सेज इज नथिंग बट increasing in this tendency of an SR which actually had led to drive reduction. अगर drive reduction नहीं होगी तो कोई conditioning नहीं, क्योंकि कोई reinforcement नहीं है। Very similar to Thorndike's law of effect. Pleasant and unpleasant की बात की थी? Yes, ma'am. All those things that leads to a pleasant impact are approached. आपका trial and error learning में क्या है? Thorndike trial and error learning है ना, blind alley में जाकर आपको जब धक्का लगता है कि ये तो ब्लाइंड एले निकला, यहाँ तो आगे रास्ता नहीं है, तो अगली बार वो टेंडेंसी आपकी कम होती जाती है। हमने पी में इसमें किया था एस, राइट टर्न लेफ्ट टर्न, अगर लेफ्ट टर्न में फूड कप रखा है तो फिर राइट टर्न धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि ब्लाइंड एले है, वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ड्राइव रिडक्शन नहीं हो रही है, इसलिए आप इवेंचुअली फिर लेफ्ट टर्न करना सीख जाएंगे, क्योंकि हर बार जब आप लेफ्ट टर्न करें तो फिर रीइंफोर्समेंट हुआ। Now postulates we'll do in the next.